आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पिन बटन एंड स्क्रॉल बार के ऊपर। अब ये क्या है देख लेते हैं। पहले जैसे स्पिन बटन यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे रुपीज में एक एक नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ ले रहे हैं तो एक एक नंबर नीचे की तरफ आ रहा है। सिमिलरली स्क्रोल बार प्रेस किया, देखिए ऊपर यहाँ पे नंबर चेंजेस हो रहे हैं, ये एक एक नंबर बैक में जा रहे हैं और एक एक नंबर प्लस में हो रहा है। अगर हमने यहाँ मिडिल में कहीं पे भी प्रेस किया, देखिए 5 पॉइंट्स आगे हुई, 5 5 पॉइंट्स आगे हो रही हैं, और पीछे से लिया तो 5 5 पॉइंट पीछे की तरफ जा रही हैं। ये मोस्टली आपने नोटिस किया होगा जब आप पेट्रोल वगैरह फिल कराने जाते हैं आपके व्हीकल्स में, तो वहां पे मीटर रीडिंग जो होती है, या आपके व्हीकल में जो मीटर रीडिंग होती है कैसे इंक्रीज होती जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है प्रोसीजर, उसके लिए पहले आपको यहाँ पे डेवलपर टैब ऑन करना होगा। अभी डेवलपर टैब कहाँ से आया, पहले छोटे से एरो पे प्रेस किया, उसके बाद हम यहाँ आते हैं मोर कमांड्स में। मोर कमांड में गए, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, इसके अंदर ये डेवलपर ऑप्शन ऑन किया हुआ है, देखिए ऑन है, ऑफ कर दिया, ओके किया, देखिए डेवलपर ऑप्शन ऑफ हो गया। पहले हमें इस एरो में जाना है, फिर मोर कमांड में आने के बाद आपको कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन को डेवलपर टैब को ऑन करना है, ओके किया। अब ये डेवलपर टैब आ गया, इस डेवलपर के अंदर यहाँ पे आपको इस कंट्रोल ग्रुप में ये इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट के अंदर ये फॉर्म कंट्रोल एंड एक्टिव एक्स कंट्रोल दिखा रहे हैं, हमें एक्टिव एक्स में नहीं आना है, फॉर्म में जाते हैं। ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, जो ये फर्स्ट रो है उसका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या दिखाया हुआ है, स्पिन बटन, पहले इसको ऑन करते हैं। और यहाँ पे जस्ट सिंपल साइज को ड्रैग किया बनाया, अब आपके चॉइस से इसकी हाइट वेथ वगैरह आप जैसे चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। सिमिलरली अगेन इंसर्ट में अभी इसी फॉर्म कंट्रोल में सेकंड एरो में ये ऑप्शन जो दिया हुआ है स्क्रॉल बार, इसे ऑन किया और यहाँ पे इसको भी ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जस्ट बटन्स हमने एक डायग्राम बने हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ हमारी कुछ एक्टिवेट नहीं है, देखिए कुछ एक्टिव नहीं हो रहा है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं करने देगा। अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना है, तो पहले तो हम इस पे राइट क्लिक लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल दिखा रहे हैं, फॉर्मेट कंट्रोल में लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल का। अभी इसमें पहले पहले स्टार्टिंग लेवल करंट वैल्यू 0 दिखाया हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी 0 है। अभी मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी चाहिए, सपोज हमने मैक्सिमम वैल्यू 200 दिखा दी, अभी यहाँ पे है इंक्रीमेंटल चेंजेस, वो 1 1 ही रख देते हैं। क्या होता है जैसे आप यहाँ पे इस एरो को प्रेस कर रहे थे तो 1 1 पॉइंट आगे जा रही थी और यहाँ से 1 1 पॉइंट रिवर्स में आ रही थी। अब यहाँ पूछा है सेल लिंक किसके साथ लिंक बनाए, हमने सपोज यहाँ पे प्रेस कर दिया, डेट मीन्स i3 के साथ इसकी लिंक होनी चाहिए, ओके किया। अब पहले तो आपको इसको बाहर प्रेस करना है जैसे उसकी जो 4 डॉटेड पॉइंट्स हैं वो ऑफ हो जाए, ओके। अब आप इसको प्रेस करके देखिए, हो रहा है परफेक्टली, एक एक पॉइंट आगे की तरफ जा रही है और आप रिवर्स भी ले सकते हैं। हमने इसको हाईएस्ट लेवल 200 कहा था, आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर आपने फिर से इसको ऊपर या नीचे की तरफ ऑर्डर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली 200 से रिवर्स जा रहे हैं और ऊपर करने की कोशिश की तो 200 से ऊपर नहीं जा पाएगा। ये हमने स्पिन बटन के फंक्शन को सेट कर लिया है। सिमिलरली अब ये स्क्रोल बार के लिए जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक लेना है और ये फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद ये ऑप्शन जो आता है आपको कंट्रोल, करंट वैल्यू 0, ओके, मिनिमम 0, ओके, मैक्सिमम आप कितना रखना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पे 150 रखना चाहते हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस 1 ही रखते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है पेज चेंज, जैसे हमने पहले यहाँ पे किया मिडिल में कहीं प्रेस कर दो 5 5 पॉइंट्स की आगे पीछे हो रहा था, रिवर्स हो रहा था, तो हम यहाँ पे अभी पेज चेंज 10 का सेट करते हैं। सेल लिंक, हमने सेल लिंक सपोज यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, डेट मीन्स L11 के साथ, ओके किया। सिमिलरली आपको इसको परफेक्ट रिजल्ट के लिए बाहर पहले प्रेस करना है, उसके बाद आप इस एरो को प्रेस करते जाइए, देखिए आ रहा है एक एक पॉइंट आगे की तरफ जा रही है और यहाँ से एक एक पॉइंट पीछे की तरफ आ रही है, हो रहा है। और अगर आपने इधर मिडिल में कहीं भी प्रेस किया, देखिए 10 10 पॉइंट्स का चेंजेस हो रहा है और रिवर्स जाते हैं तो 10 10 पॉइंट्स रिवर्स में भी आती है। अगर यहाँ से आप क्लिक करते तो एक एक पॉइंट ही आगे जाएगी, क्योंकि हमने वहां पे सेटअप ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ से एक एक पॉइंट पीछे की तरफ जाती है, और मिडिल में कहीं प्रेस करेंगे तो हमारा वो क्या था ऑप्शन, 10 पॉइंट्स का आगे एंड पीछे हो रहा है। तो ये होता है हमारा एक्सेल में स्पिन बटन एंड स्क्रोल बार्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।